हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग सो आज हम बात करने वाले हैं 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 प्लांट के के बारे में जो कि बेसिकली जून 2023 के तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज आर मेड रिगार्डिंग दी नाइट्रोजीनीस एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया ठीक है जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ठीक है जो एटमोसफियरिक नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है राइट तो उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम नाइट्रोजेस एंजाइम कहते हैं तो उसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है सो so, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज नाइट्रोजीनियज एंजाइम इज कम्पोज ऑफ टू कंपोनेंट्स फर्स्ट इज डाई नाइट्रोजनीस एंड सेकेंड इज डाई नाइट्रोजीनीस रिडक्टेज सो दिस स्टेटमेंट इज राइट राइट जो नाइट्रोजिनीस एंजाइम होता है ठीक है इसमें टू स्टेप्स होते हैं टू कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट नाइट्रोजिनीस होता है और सेकंड जो है वो रिडक्टेज होता है दैट मींस अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वहाँ पे ई स्टेटमेंट जो करेक्ट है राइट बाकी यहाँ पे ए स्टेटमेंट नहीं दी है तो हम जो सेकंड है और थर्ड है इसको हम वैसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे बताया कि जो एम ओ एफ प्रोटीन होती है कंपोनेंट इज होमो डायमर राइट सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ठीक है ये एफ ई प्रोटीन है ठीक है ये एफ ई कॉम्प्लेक्स है जो कि होमो डाइमर है इसमें अल्फा अल्फा सब यूनिट्स कंबाइंड होती है जुड़ी होती है बट जो एफ ई एम प्रोटीन -E है ठीक है यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सब यूनिट से ये बना होता है दैट मीन्स दिस इज हिट्रोडाइमर ठीक है जो एम प्रोटीन -E होती है वो हिट्रोडाइमर होता है ठीक है तो आपकी जो बी स्टेटमेंट है यहाँ से इनकरेक्ट हो जाती है ठीक है so, सो आपका आंसर यहीं पे निकल जाता है राइट सो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुबिस्को एंजाइम इज इन्वॉल्व इन बहुत रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल्स इन प्लांट्स फॉलोइंग समेटमेंट्स रिगार्डिंग दैम रुबिस्को एंजाइम जो होता है ठीक है उसमें बहुत साइकिल चलती है ऑक्सीडेटिव भी और रिडक्टिव भी राइट जो रिडक्शन होती है वो उस साइकिल को हम बोलते हैं फोटोसिंथिस राइट right? उसको हम सी थ्री साइकिल भी कहते हैं और जो ऑक्सीडेटिव होती है जो ऑक्सीडेटिड कार्बन साइकिल होती है उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन ठीक है तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज शुगर आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ दी साइकिल शुगर प्रोड्यूस होती है दोनों साइकिल में तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कंप्लीटली जो incorrect है वो इनकोरेक्ट है ठीक है क्योंकि जो आ, आपकी रिडक्शन होती है ठीक है उसमें शुगर फॉर्म होता है सी थ्री साइकिल में शुगर फॉर्म होता है बट जो ऑक्सीडेटिव साइकिल होती है इसमें रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ठीक है यहाँ पे कार्बन की फिक्सेशन नहीं होती है ठीक है सी थ्री साइकिल में कार्बन की फिक्सेशन होती है उसमें शुगर बनता है और सी टू साइकिल में कार्बन जो है वो रिलीज हो जाता है इसमें कार्बन की जो है वो सिंथेसिस ठीक है कार्बन जो है फिक्सेशन नहीं होता है तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कम्प्लीटली

cycle yes this statement is also correct as you can see in the diagram right yahan pe two phosphoglycolate glycolate se 3 phospho glycolate banta hai aur ye jo hai wo photorespiration ka kya hai ye product hai right this is the product और यही जो है वो जाता है citric acid cycle साइकिल में और ये जो है ये क्या है इसका सबस्ट्रेट है तो यहाँ पे बोला है जो ऑक्सीडेटिव साइकिल है इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट ठीक है इसका Uh, जो सबस्ट्रेट है ऑफ देखिए जिसका जो तो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट है रिडक्टिव साइकिल का तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दैट मीन्स बी और सी स्टेटमेंट इज करेक्ट डी स्टेटमेंट इज एन ए डी पी एंड ए टी पी आर यूज इन बोथ दी साइकिल राइट तो ए टी पी तो दोनों साइकिल में यूज होती है बट जो एन ए डी पी है ठीक है एन ए डी पी ओनली रिडक्टिव साइकिल में यानी सी थ्री साइकिल में यूज होता है ठीक है और जो आपका ऑक्सीडेटिव साइकिल है उसमें एन ए डी एच यूज होता है ठीक है एन ए डी एच जो है वो आपकी ऑक्सीडेटिव साइकिल में यूज होता है सो योर राइट राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग फोटोसिस्टम टू इलेक्ट्रॉन

सेवन हंड्रेड होता है उसको हम पी एस वन कहते हैं ठीक है इस ट्रांसफर टू टू प्रोड्यूस प्लास्टो क्विनाइन ठीक है सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज कंप्लीटली राइट स्टेटमेंट देखो यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये भेजा जाता है ठीक है QA को को पहले के पास है 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 उसके उसके बाद बाद भेजा जाता से वो produce करता ठीक जो जो QB होता है वो भी एक जो है वो आ, ये दोनों मिलकर के एक जो, जो स्पेशल बनाते हैं ठीक है जो क्विन, प्लास्टो क्विनाइन बनाते हैं राइट सो so, हाउ मतलब जो क्यू ए है वो सेमी प्लास्टोसेमी क्विनाइन बनाता है तो ए स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड इज क्यू ए इज मोबाइल प्लास्टो क्विनिन सो जो क्यू ए होता है ठीक है जो प्लास्टो क्विनिन ए होता है वो टा, टाइटली बाइंड होता है जो डी टू प्रोटीन होती है उसके साथ तो जो प्लास्टो क्विनिन ए होता है वो इमोबाइल होता है वो मोबाइल नहीं होता है ठीक है वो इमोबाइल होता है तो बी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है थर्ड इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम प्लास्टोक्यूनिन ए टू बी कन्वर्ट प्लास्टोक्यूनिन बी इंटू प्लास्टोसेमी क्यूनिन नहीं जो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ठीक है प्लास्टोक्यूनिन ए से प्लास्टोक्यूनिन बी ठीक है तो क्या होता है तो उसके बाद बन जाता है तो मतलब प्लास्टोक्यूनिन ए सेमी प्लास्टिक यूनियन है प्लास्टिक यूनियन बी भी सेमी प्लास्टिक यूनियन है जब ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो वो क्या बना देता है ठीक है फुली रिड्यूस्ड प्लास्टोन बी एस टू ठीक है वो बनाता है फुली रिड्यूसड प्लास्टो एस बीएस यहाँ पे सेमी क्यूनियन नहीं रहता है ठीक तो है तो आपके सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बी इज टाइटली बाउंड टू द कॉम्प्लेक्स एंड इज नॉट मोबाइल राइट प्लास्टिक यूनियन बी है वो लूजली बाइंड होती है किसके साथ d1 वन प्रोटीन के साथ ही लूजली बाइंड होती है राइट right? और प्लास्टो जो ए होता है वो d2 टू प्रोटीन के साथ टाइटली बाइंड होती है इस बात का ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स एंड इट इज नॉट मोबाइल ठीक है और ये मोबाइल नहीं होती है तो ये मोबाइल होता है क्योंकि ये लूजली बाइंड होता है सो फ्रॉम दिस राइट योज थर्ड स्टेटमेंट सॉरी जो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकॉग्नाइज्ड फैमिली ऑफ पी आर प्रोटीन इन प्लांट्स एंड इन कॉलम एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली फर्स्ट ऑफ ऑल पी आर प्रोटीन क्या होती हैं? पी आर प्रोटीन्स को पैथोजे रिलेटेड प्रोटीन कहा जाता है ठीक PR है इनको शॉर्ट फॉर्म हम पी आर प्रोटीन कहते हैं राइट right? ये जो है डाइवर्स ग्रुप होता है प्लांट प्रोटीन्स का जो कि टॉक्सिक होती है जो भी फंगल पैथोजन होते हैं ठीक है जो इन्वेड हो जाते हैं प्लांट्स पे उनके लिए वो टॉक्सिक होती है मतलब एक रेजिस्टेंस का काम करती है राइट एज यू कैन सी इन द डायग्राम राइट यहाँ पे कोई वाउंड हुआ है ठीक है पैथोजन अटैक हुआ है वाउंडिंग हुआ है राइट uh, right? तो यहाँ कोई केमिकल्स रिलीज हुआ है कोई स्ट्रेस हुआ है या फाइटो हार्मोन रिलीज हुआ है ठीक है उस केस में क्या होता है वो सिग्नल जाता है राइट यहाँ पे आ, और यहाँ पे जो पी आर प्रोटीन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है राइट के बारे में यहाँ पे दिया है।, क्या -क्या? एक्टिविटीज होती है पी आर टू पी आर थ्री पी आर सिक्स पी आर टेन की सो आप देख सकते हैं ठीक है टेबल में सो पी आर टू जो प्रोटीन होती है ठीक है उसकी क्या एक्टिविटी होती है दैट एक्टिवेट दी बीटा वन थ्री ग्लाइकोनीस ठीक है पी आर टू का करती है थ्री का क्या काम होता है ठीक है ये टोबैको जो प्लांट है उसमें होता है ठीक तो है पी आर थ्री है दैट इज काइट टाइप राइट एंड पी आर सिक्स इज प्रोटीनेस इनहिबिटर राइट मतलब एग्जामिनर ने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम मैचिंग दी है राइट right? जो तो इसका जो राइट right ऑप्शन है प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट है जो टर्पिन होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है राइट right? उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है Your first statement is, कंपाउंड मोनोटर्पीन जो होती है वो फाइव कार्बन कंपाउंड होती है इज इट नो मोनोटर्पींस आर टेन कार्बन कंपाउंड राइट मोनोटर्पीन जो होती है वो टेन कार्बन कंपाउंड होता है ठीक है जो फाइव कार्बन कंपाउंड होता है उसको हम हेमीटर्पींस कहते हैं ठीक है उसको हम हेमीटर्पीन्स कहते हैं राइट सेकेंड वन इज एंटी मलेरियल ड्रग आरटी मिजिनिन इज सिक्विड टर्पिन राइट तो जो ये स्टेटमेंट है बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो आर मिजिन होती है ठीक है वो ये सिक्विड टर्पिन होती है ठीक है और वो एंटी मलेरियल ड्रग है ये एक एंटी मलेरिया जो है वो ड्रग होती है तो योर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ठीक है तो ए ऑप्शन यहां पे हम डिस्कार्ड कर देते हैं ठीक है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है दैट मींस फोर्थ वन इज राइट आंसर नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम बात करें जो अजारडी अजारडी रेक्टिन है इज अ ट्राई टर्पिन डेरिवेटिव है फ्रॉम द सीड ऑयल ऑफ एशियन जो नीम ट्री से निकाला जाता है ठीक है और जो डी स्टैक्सोल इज अ डाई टर्पिन होता है जो डेरिवेटिव होता है ठीक है यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में ठीक है जो ठीक है ये टेक्सोल है ठीक है इसको हम जो कैंसर सेल है उसके ट्रीटमेंट में हम ठीक है यूज करते हैं ये डिडक्शन करता है ट्यूमर ग्रोथ की जो मेटा मेटामे में ये काम आता है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच ऑल